अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा कि यह मुलाकात दोनों ही देशों के बीच में अगले 10 से 15 सालों की पार्टनरशिप को परिभाषित करने जा रही है। अगले कुछ दिनों में रक्षा, सहयोग, साइबर स्पेस, सप्लाई चेन, क्लाइमेट चेंज जैसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये मुलाकात भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। The kinds of things that the two leaders will be discussing over the next couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10-15 years at least. But you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains, climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. It really is a forward-looking, future-focused discussion. वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस के कंपनीज के सीईओ के साथ मुलाकात की और जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ एच लॉरिस कल्प जूनियर, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के सीईओ संजय मेहरोत्रा और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी एडिकर्सन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। पर इस मुलाकात के बाद संजय मेहरोत्रा ने कहा कि वो भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और भारत द्वारा की जा रही प्रगति से काफी प्रभावित हुए हैं। Had an excellent meeting with Prime Minister Modi. Very impressed with the vision that he has for India and the advances that India is making. We discussed a wide range of topics and we really look forward to greater opportunities in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जमकर ढोल नगाड़े बजे, नाचते गाते लोगों के बीच में पहुंचे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने वाले लोग बेताब नजर आए, बस एक बार हाथ मिला लेना चाह रहे थे। बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक, युवा, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित नजर आया। प्रधानमंत्री ने बड़ों का तो अभिवादन किया तो वहीं बच्चों को टी शर्ट पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। तो ये कुछ झलकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन पहुंचे तो कुछ इस तरह से, पहला तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सम्मान, फिर बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी आशीर्वाद देते नजर आए, उनको ऑटोग्राफ देते नजर आए और फिर जिल बाइडेन से उनकी मुलाकात। अमेरिका के राजकीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो वहां मिनी हिंदुस्तान देखने को मिला। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते रहे। जब पीएम मोदी उनके बीच पहुंचे तो लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे जोश के साथ भीड़ के बीच पहुंचे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। देखिए यहाँ पर अब भंगड़ा होने लगा है, गर्म जोश की आप बात कर रहे थे, खत्म नहीं हुआ है। बहुत लोग जा चुके हैं लेकिन मुझे लग रहा है ये लोग प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तो लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने बुजुर्गों को नमस्कार किया तो वहीं बच्चों को स्नेह से आशीर्वाद भी दिया।
glad to see his presence in Washington D.C. What did he say to you? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राजकीय दौरे में दुनिया का बॉस कहे जाने वाले अमेरिका में हिंदुस्तान की धमक और झलक दोनों दिखाई दी। वाशिंगटन में बारिश की बूंदे भी पीएम मोदी को देखने की ख्वाहिश लिए पहुंचे महिलाओं और बच्चों का जोश कम नहीं कर पाई। महसूस हुआ और जाते जाते एक गाना गा के जाइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। वाशिंगटन डीसी में इतने सालों रहने के बाद गरबे करने को मिले और मोदी जी को देखने को मिला, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए एंड करिए, एक अच्छे से गाने में एंड कर दीजिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार तक अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं और आज का दिन वाशिंगटन में बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी के राजकीय सम्मान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसकी शुरुआत 21 तोपों की सलामी से होगी। वाशिंगटन डीसी से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।